और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और ड्रोन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। ये ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ घंटों पहले देखा गया। 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था। और अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय उच्चायोग में भी दरअसल एक ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान में ये भारतीय उच्चायोग है जिसके अंदर एक ड्रोन देखा गया था। ये ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ घंटों पहले देखा गया। आपको याद होगा कि 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था और बताया जा रहा है कि जम्मू हमले से कुछ ही घंटे पहले की यह घटना है जब भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया था। तो ड्रोन से हमला और ड्रोन से जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया था यह अब तक का पहला मामला था जब ड्रोन से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। बेहद गंभीर मामला, सरकार की तरफ से भी और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी इसे पूरी तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच जो अहम जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी आई कि 27 जून से कुछ घंटे पहले 26 जून को एक कार्यक्रम चल रहा था भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में, और उस दौरान एक ड्रोन देखा गया जिसको नोटिस करने के बाद, जिसको स्पॉट करने के बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को जानकारी दी गई और भारत ने सख्ती से विरोध दर्ज किया है जिस तरह से उस कार्यक्रम में ड्रोन देखा गया। अब से थोड़ी देर बाद गायत्री इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर भी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी घटना इस मायने में है कि उसके कुछ घंटे बाद यानी 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन से आतंकी हमला होता और उसके कुछ घंटे पहले भारतीय उच्चायोग के परिसर में ड्रोन देखा जाता है एक कार्यक्रम में, तो ये अपने आप में सवाल पैदा करता है कि पहले इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई कि भारतीय उच्चायोग में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है या दूसरे माध्यम से निगरानी इस तरह से रखी जा रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कूटनीतिक कुछ नियम कायदे होते हैं जब आप एक देश से दूसरे देश में बतौर भारतीय उच्चायोग में काम करते हैं तो वहां का एक अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के मुताबिक सारा कुछ चलता है, और ऐसे में ड्रोन से अगर निगरानी रखी जा रही थी तो महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और अगर कोई आतंकी साजिश की षड्यंत्र की वजह से उस ड्रोन को वहां भेजा गया था तो अपने आप में ये और चौंकाने वाला और गंभीर मसला है। देखना ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दिल्ली से शंकर आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित पांडे भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन शंकर आनंद, जरा बताइए, क्योंकि नीरज बता रहे हैं कि ये पहला मसला है जब भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया, क्या निगरानी रखने की कोशिश हो रही थी या फिर कोई साजिश थी? हालांकि ये तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन ये भी अपने आप में पहला मामला है जैसे कि जम्मू में ड्रोन से ब्लास्ट किया गया, वो अपने आप में एक पहला मसला अब तक का। निश्चित तौर पर देखिए गायत्री, इस मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने तकरीबन 7 से 8 महीना पहले एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया था और इस मामले में बकायदा साफ तौर पर आगाह किया गया, सतर्क किया गया था कि आने वाले वक्त में ड्रोन से जासूसी काफी ज्यादा हो सकती है और इसके साथ ही जो आतंकी वारदात में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इस तरह की एक रिपोर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा साझा की गई थी और उसकी कॉपी जो मैक की टीम यानी कि मल्टी जो एजेंसी होती है जिसमें कि एनआईए के अधिकारी भी थे उनको भी बताया गया था। उसके साथ ही जो मैक में इस मामले पर चर्चा हुई थी कि अगर आने वाले वक्त में ड्रोन से संबंधित इस तरह के मसले सामने आते हैं तो किस तरह से उसका समाधान करना है, किस तरह से इस मामले पर आगे नजर रखनी है। लेकिन 8 महीना पहले जो रिपोर्ट दी गई थी आज उसी का असर देखने को मिल रहा है, चाहे बात करें भारतीय दूतावास के ऊपर में जिस तरह से बकायदा बात करें या जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर जिस तरह से हमले किए गए, और आने वाले वक्त में इस तरह के मामले और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। आज की ही बात करें जम्मू में जिस तरह से आज अरनिया बॉर्डर पर वहां पर देखने को मिला, जिस तरह से बकायदा बीएसएफ के जवानों ने अपनी सतर्कता से वहां पर जो ड्रोन था उस ड्रोन पर जब फायरिंग किया तो उसके बाद उस ड्रोन को फिर वो वापस पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में चला गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इस मामले में आज बीएसएफ ने भी इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान जारी किया है। जी लौट रहे शंकर आनंद आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू से मिल रही है न्यूज 18 के